आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल USY क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। कल हमने देखा था कृष्ण काव्य सॉरी राम काव्य की सभी रचनाओं को हमने देखा, कौन कौन से कवि थे और उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। ठीक है, आज हम कृष्ण भक्ति शाखा में या कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख कवियों की बात करेंगे और उनकी प्रमुख प्रमुख रचनाओं की, जहाँ से प्रश्न आपको मिलता है या देखने को मिलता है या जहाँ से प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कृष्ण काव्य और लास्ट में जो है हमने एक राम भक्ति शाखा की जो वीडियो बनाया था उसमें आपसे 10 क्वेश्चन पूछे हैं और 10 क्वेश्चन इसमें भी हम प्रश्न रखेंगे। ठीक है, और इन प्रश्नों का आप जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, और इससे आपकी रचनाएं क्या हो जाएंगी, मजबूत होती चली जाएंगी, पकड़ बनती चली जाएंगी रचनाओं पे। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है, अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में सबसे ज़रूरी चीज़ रचनाओं की पकड़ होना चाहिए। रचनाओं पर अगर आपकी पकड़ नहीं है तो आपको हिंदी में सिलेक्शन या सफलता कभी नहीं मिलेगी। तो पहले रचनाओं पर जो है कमांड बनाइए। जब कुछ रचनाओं पे आपके जब कमांड हो जाएंगे, जो चर्चित चर्चित प्रसिद्ध प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो उसके बाद आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम रचना पे ही फोकस कर रहे हैं। तो इधर हमारे हो गए कवि और इधर हो गए रचना। तो इधर रचना और इधर कवि। सबसे पहले हम कृष्ण भक्ति शाखा में वल्लभाचार्य की रचना को देखेंगे। वल्लभाचार्य, इनकी रचना कौन सी है? कई रचनाएं इनकी हैं। अड़ुभाष, इनकी रचना है अड़ुभाष। इनकी रचना है तत्वदीप निबंध। तत्वदीप निबंध, इनकी अगली रचना है सुबोधिनी टीका। सुबोधिनी टीका, ठीक है। जैमिनी पूर्व मीमांसा भी इनकी एक रचना है। जैमिनी पूर्व, जैमिनी पूर्व मीमांसा, जैमिनी पूर्व मीमांसा। और इतनी मोस्ट है, एक और है जो खास मोस्ट तो नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, सूत्रभाष्य। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ देखिए अड़ुभाष्य इनकी इम्पोर्टेंस रचना है, तत्वदीप है, सुबोधिनी है, सुबोधिनी नाटक, और जैमिनी पूर्व मीमांसा भी है, पूछ लिया जाता है कभी कभी प्रश्न में। अगले कवि की अगर हम बात करें तो निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य की बात करें हम तो पहली रचना है वेदांत पारिजात सौरभ। वेदांत पारिजात सौरभ, वेदांत पारिजात सौरभ। और दूसरी रचना है दस श्लोकी। तीसरी रचना है प्रपन्न कल्प पल्लवी।
प्रपन्न कल्प पल्लवी। चौथी इनकी रचना देख लेते हैं, श्री कृष्ण अस्तवराज। और पांचवी रचना हम देख लेते हैं, मंत्र रहस्य षोडशी। मंत्र रहस्य षोडशी। तो इनमें की रचना वेदांत पारिजात सौरभ और दस श्लोकी और कृष्ण अस्तवराज। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस रचनाएं हैं, ज़्यादा इनकी रचना इम्पोर्टेंस है। अब आगे बढ़ते हैं, हम उन्हीं कवियों की जिक्र करेंगे जिनसे प्रश्न बनते हैं, नहीं बनते हैं तो उन कवियों को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कवि नहीं है कृष्ण काव्य में। देखिए, वल्लभाचार्य, अड़ुभाष, तत्वदीप निबंध, सुबोधनी टीका, जैमिनी पूर्व मीमांसा, सूत्रभाष, वेदांत पारिजात सौरभ, दशश्लोकी, प्रपन्न कल्पवल्ली, श्री कृष्ण अस्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले कवि है स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास की अगर रचना की हम बात करें तो सिद्धांत के पद हैं, सिद्धांत के पद, ये पहली रचना हो गई। और दूसरी रचना इनकी है केलीमाल। केलीमाल, ठीक है। अगले कवि की हम बात करें, मोस्ट कवि सूरदास। सूरदास, सूरदास की रचना देखेंगे, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये इनकी तीन रचनाएं हैं। और परमानंद दास की रचना देखें, परमानंद दास, ठीक है। बाकी लोग जिनका नहीं लिखेंगे उनकी समझ लेना रचना ही नहीं है। ठीक है, दान लीला, दान लीला, ध्रुव चरित, ध्रुव चरित, परमानंद सागर। अब यहाँ देखिए, दान लीला कई लोगों की है, ठीक है, दान लीला कई लोगों की है, तो किसकी किश्त की है ये देख लेते हैं। तो नंददास की है, नंददास की है, परमानंद दास की है जो अभी लिख रहे हैं, परमानंद दास की है, चतुर्भुज दास की भी है, चतुर्भुज दास की भी है और रसखान की भी है। ठीक है, रसखान की। तो नंददास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास और रसखान की रचना कौन है, तो दान लीला है। ध्रुव चरित की बात करें तो ध्रुव चरित भी कई लोगों की रचना है,
ध्रुव चरित किसकी किसकी है, तो मलुकदास की है। नरोत्तम दास की है। और परमानंद दास की है। ठीक है, तो नंदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास और रस खान की रचना दानलीला, ये इतने लोग लिखे हैं। ठीक है, और ध्रुवचरित को ये तीन लोग लिखे हैं। तो यहाँ मैं नोट करा दे रहा हूँ ताकि आपको ये भी पता चले कि ध्रुवचरित और किसकी है और दानलीला और किसकी है। ठीक है, चलिए, तो दानलीला, ध्रुवचरित और परमानंद सागर, ये परमानंद दास की रचना हो गई। इसके बाद जो है हम आते हैं एक और कवि प्रसिद्ध हैं जो नंददास, तो नंददास की रचना पर हम चलते हैं। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अगले कवि हैं नंददास। इनकी रचना है सुदामा चरित, सुदामा चरित। शायद ये रचना नरोत्तम दास की भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है नरोत्तम दास में भी ये रचना थी सुदामा चरित, और इनकी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नरोत्तम दास, यह रचना नरोत्तम दास की भी है और नंददास की भी है। ठीक है, तो नंददास की भी है और नरोत्तम दास की भी है। आगे देखते हैं भंवर गीत, भंवर गीत। आगे देखते हैं रुक्मणी मंगल है, रुक्मणी मंगल है। रुक्मणी मंगल भी किसी की रचना थी, लिखा देते हैं उसको भी, विष्णुदास की थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं विष्णुदास। विष्णुदास और किसकी, नंददास। ठीक है, तो यह रचना रुक्मणी मंगल विष्णुदास की भी है और नंददास की भी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे रुक्मणी मंगल के बाद सिद्धांत पंचाध्यायी, पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, ये मोस्ट है, इनका आपको याद रखना ही पड़ेगा। रास पंचाध्यायी छठे नंबर पर है, गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला। इसके बाद है भागवत दशम स्कंद, स्कंद आठवा है अनेकार्थ मंजरी। अब मंजरी वाले हैं सब, अनेकार्थ
मंजरी, नौवां है रूप मंजरी, रूप मंजरी रूपमंजरी शायद आपको देखने को मिला होगा जान कवि का भी, ठीक है, एक जान कवि रहे होंगे। शायद नहीं जान कवि, हाँ जाने कवि का है, कथा रूपमंजरी करके, ठीक है। तो वहाँ कथा रूप मंजरी है, तो कभी कभी रूप मंजरी डायरेक्ट पूछ ले, कभी कभी कथा रूप मंजरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना कि नंददास और एक कवि हैं जान कवि, ठीक है, जो कथा वाले हैं। एक दिन आप लोगों को उनकी रचनाएं जो है लिखाए थे हम, तो रूप मंजरी, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं आगे, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी और रस सॉरी मान मंजरी, ग्यारह नंबर की रचना हो गई रस मंजरी, पांच ठोन की मंजरी है, एक दो तीन चार गो हो गई, पांचवी है विरह मंजरी, दो ठो लीला है इनका, तो लीला है दान मान लीला, मान मंजरी भी है और मान लीला भी है, और एक है दान लीला, अभी दिख रहा होगा दान लीला, ठीक है। और एक और रचना है जो यहाँ मैं लिख देता हूँ, श्याम सगाई, ठीक है। तो श्याम सगाई आप देख सकते हैं नंददास की, आप लगभग 15 रचनाएं यहाँ पे देखने को मिला। सुदामा चरित, भंवर गीत, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, भागवत, दशम स्कंद, अनेकार्थ मंजरी, ये पांच ठो मंजरी वाले हैं। उसके बाद मान लीला, लीली नहीं लीला है, ठीक है, मान लीला, दान लीला और श्याम सगाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले कवि पर, चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास की रचना देखते हैं, द्वादश्यस, द्वादश्यस और एक रचना इनकी है हितजु को मंगल, हितजु को मंगल। अगली रचना है दान लीला, छूट गए थे क्या ये, दान लीला, ठीक है। तो दान लीला चतुर्भुज दास बताए थे पिछली वीडियो, अभी पीछे मिटाने से पहले हमने बताया दान लीला किनकी किनकी है, नंददास को बताए, परमानंद दास को बताए, चतुर्भुज दास को बताए और रस खान को भी बताए थे, ठीक है। तो दान लीला हो गई। अगली इनकी रचना है भक्ति प्रताप, भक्ति प्रताप और पांचवी रचना है कीर्तनावली, आगे बढ़ते हैं मीराबाई को देखते हैं, मीराबाई की
गीत गोविंद की टीका है। गीत गोविंद की टीका नरसिंह जी का मायरा नरसिंह जी का मायरा और तीसरे है राग सोरठा का पद राग सोरठा का पद चौथा देखें तो राग गोविंद है इनका गीत गोविंद और राग गोविंद आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद राग मलार है राग मलार छठा देखें मीरा की गरवी है मीरा की गरवी है और सातवां देखेंगे रुक्मणी मंगल है और एक और रचना इनको देखने को मिलती है सत्यभामा अभी दिख रहा होगा तो सत्यभामा नूरूषणम नूरूषणम ठीक है। तो ये जो है मीराबाई का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है इनसे प्रश्न कम बनता है बस एक दो बार इसे देख लेना। यहाँ से प्रश्न है यहाँ से बनता है हितजू को मंगल ये मोस्ट रचना है हितजू को मंगल और एक दान लीला भी देख लेंगे ठीक है। इनको छोड़िए यही दो दोनों आप ज़्यादा फोकस करिएगा बाकी याद हो जाती हैं तो और अच्छा है ठीक है। आगे देखते हैं अगले कवि हमारे पास हैं रस खान तो रस खान को देखते हैं रस खान का सुजान सागर है सुजान सागर तो घनानंद की है सुजान रस खान है ठीक है। इसमें रस खान लगा है तो रस खान है सुजान सागर घनानंद की है ठीक है। या सुजान विनोद जो है देव की है तो देखेंगे सुजान रस खान ठीक है रस खान की। आगे देखते हैं इनकी रचना दान लीला है एक और कौन है अष्टयाम भी है और कौन है तो प्रेम वाटिका है प्रेम वाटिका। तो दान लीला हमने बताया था किसकी किसकी रचनाएं हैं कि नंददास का है परमानंद दास का है चतुर्भुज दास का है और रस खान का भी है तो ये दान लीला हो गई। अष्टयाम आपको बता ही दिए कि अष्टयाम जो रचना है वो नाभादास की है अग्रदास की है और रस खान की भी है ठीक है। प्रेम वाटिका तो इन्हीं की है। आगे बढ़ते हैं श्री भट्ट एक कवि हैं श्री भट्ट इनकी रचना है युगल शतक। अगले कवि एक हैं कृष्णदास इनकी एक रचना है जुगल मान चरित। अगले कवि हैं ध्रुव दास और इनकी है रचना भक्त नामावली
भक्त नामावली, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं श्री भट्ट युगल शतक इनकी रचना है, कृष्णदास का जुगल मानचरित है, ध्रुवदास का भक्त नामावली है, रसखान का सुजान रसखान, दानलीला, अष्टयाम और प्रेमवाटिका। आगे चलते हैं, एक दो और कवि हैं, उसके बाद जो है कृष्ण भक्ति शाखा के सारे कवि कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। हित हरिवंश, हित 84 लिखे हैं, हित हरिवंश इनकी रचना है, हित 84, हित 84। और एक और इनकी रचना है यमुनाष्टक, यमुनाष्टक। और तीसरी रचना है राधा सुधा निधि, ये शायद राधा सुधा, राधा सुधा निधि, ठीक है, राधा सुधा निधि। अगले कवि हैं ब्रजवासी दास, ब्रजवासी दास। तो ब्रजवासी दास का है रचना ब्रजविलास, ब्रज विलास, ब्रजवासी दास की जो रचना है वो ब्रजविलास है, ठीक है। तो हित हरिवंश की हित 84, यमुनाष्टक और राधा सुधा निधि है, और ब्रजवासी दास का ब्रजविलास है। तो यहाँ हमारे कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं, जिनकी रचनाएं हैं, जिन्होंने रचना लिखा और उनकी रचनाएं प्रश्न बनती है, पूछी जाती है, उनकी रचनाओं से प्रश्न बन रहा है, तो उनकी सारी रचनाओं को हमने यहाँ पर लिख दिया है, जिनसे अधिक कोई रचना नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। अगर किसी का अगर लगता है कि नहीं इनका तो नहीं लिखे हैं, तो समय गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, इन लोगों की कोई रचना ही नहीं है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और लिख देते हैं, जैसे कुछ रचना, जैसे सूरदास भ्रमर गीत लिखना शुरू किए थे, तो उनको देखा देखी कई लोगों ने भ्रमर गीत लिख दिया, ठीक है। तो कौन कौन लिखे हैं भ्रमर गीत वो देख लेते हैं, ठीक है। भ्रमर गीत परंपरा, भ्रमर गीत परंपरा के ग्रंथ, ठीक है। तो इधर आपके ग्रंथ हो गए और इधर आपके ग्रंथकार, ठीक है। ठीक है, तो ग्रंथकार, तो सूरदास ने शुरू किया था भ्रमर गीत लिखा, कौन लिखा, सूरदास ने, ठीक है। तो इनको देखा देखी जो है भंवर गीत लिख दिए, भंवर गीत कौन लिख दिया, तो नंददास। अच्छा भाई, ठीक है। और इनका देखा देखी जो है किसी ने भ्रमर दूत लिख दिया, भ्रमर दूत, ठीक है, सत्यनारायण कविरत्न ने, सत्यनारायण कविरत्न, सत्यनारायण कविरत्न ने। और फिर उनके बाद एक और लोगों ने लिखा, क्या लिखा, उद्धव शतक, सब कृष्ण के और गोपियों के और उद्धव के, ठीक है, गोपियों का विरह है, उद्धव सिखाने आते हैं तो उन्हीं सबसे है, जब कृष्ण चले जाते हैं तो वियोग वर्णन है इसमें, भ्रमर गीत है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, जगन्नाथ दास रत्नाकर
इसके बाद एक और है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, और यह रचना जो है हरियाउत की है, अद्या सिंह उपाध्याय हरियाउत। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउत। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं भ्रमर गीत परंपरा के पांच ग्रंथ हैं। कितने? एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं और पांच हैं। तो पांच भ्रमर गीत परंपरा के पांच ग्रंथ हैं और पांचों को आपने देख लिया कि भ्रमर गीत लिखा था सूरदास ने, तो उनको देख के भंवर गीत लिख दिए नंददास, इनको देख करके भ्रमर दूत लिख दिए सत्यनारायण कवि रत्न, फिर उसके बाद उद्धव शतक लिख दिए जगन्नाथ दास रत्नाकर, फिर उसी को प्रिय प्रवास अद्या सिंह उपाध्याय हरिओम ने लिखा। ठीक है, चलिए अब हमारे जो है भक्ति काल के सारे कवि और उनकी रचनाएं कंप्लीट हो गई हैं। अब हम रीति काल में, कल अगली वीडियो जो है रीति काल के कवियों पर होगी, ठीक है, और एक और वीडियो होगी जो भक्ति काल में सर्वप्रथम जो चीज़ होगी, जैसे आदिकाल में आपने देखा आदिकाल की सर्वप्रथम, तो वैसे भक्ति काल में सर्वप्रथम पर एक क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ हम 10 प्रश्न रखेंगे जो आप पढ़ चुके हैं उसी से संबंधित है। ठीक है, चलिए बुद्धोदय किसकी रचना है, पहला प्रश्न है कि बुद्धोदय के रचनाकार, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट करके बुद्धोदय के रचनाकार। दूसरा, इस सब हम लिखवा चुके हैं आपको। ठीक है, आत्मबोध के रचनाकार, आत्मबोध के रचनाकार आपको बताना है। तीसरा प्रश्न आपका बनता है प्राकृत व्याकरण, प्राकृत व्याकरण के रचनाकार। चौथा प्रश्न आपसे बनता है जसहर चरयु के रचनाकार, जसहर चरयु के रचनाकार। ठीक है, पांचवा है साहित्य के, साहित्य का, ये बनाइए साहित्य का इतिहास दर्शन, दर्शन ग्रंथ के ग्रंथकार हैं। ठीक है, छठा आपसे प्रश्न बनेगा हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्य धारा के रचनाकार।
सातवां बनेगा हिंदी साहित्य की कहानी, हिंदी साहित्य की कहानी के लेखक हिंदी साहित्य की कहानी के लेखक आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां के लेखक नवा प्रश्न आपसे बनेगा रीति काव्य की भूमिका किसकी रचना है, और लास्ट प्रश्न है आपसे हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास के लेखक तो आपको 10 प्रश्न आपके सामने रख दिया गया है और 10 प्रश्न के आपको जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है कमेंट करके, ठीक है। और अगला वीडियो हम लोगों का रहेगा रीतिकाल के जो प्रमुख प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं, ठीक है, जहां से प्रश्न बनता है केवल वही। रीतिकाल में बहुत सारे कवि हैं तो सभी कवियों को याद करने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सभी कवियों की रचनाएं या एक कवि की बहुत ज़्यादा रचना है तो सभी रचनाओं को आप पढ़ नहीं सकते न याद कर सकते हैं। तो हम उनमें से कौन सी रचना इम्पोर्टेंस है, कौन सी रचना आपके पेपर में पूछी जा सकती है, उनको ध्यान में रखते हुए कल का टॉपिक आपको हम कवि और रचना पर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए, हाँ, और इन वीडियो को जो है आपको लाइक और कमेंट करते रहना है, शेयर करते रहना है, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द हमारा सब्सक्राइबर जो है 1000 क्रॉस करना चाहिए ताकि हम लाइव आ सके। अभी सारा वीडियो जो है लाइव नहीं हो पा रहा है, तो लाइव जब आएगा तो और बेहतर हम करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को यह वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।